मैं नीतू सिंह, श्री चंद्रबान सिंह जी की बेटी। मेरी मैरिज 2016 में मनी नागिन मोनू पटेल के साथ हुई। हमारी मैरिज अरेंज थी। इंगेजमेंट होने के कुछ ही महीने बाद ही मोनू में बहुत से बदलाव देखे गए, जैसे कहीं भी आने जाने में रोक टोक करने लगे, डिटेल्स लेना, और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज कर दिए गए थे। 4 महीने पहले मैरिज के मोनू की गर्लफ्रेंड शुमैला वाहिद ने मुझे कांटेक्ट किया और बहुत ही बदतमीजी से बातें की मैसेजेस में, और कुछ पुरानी चैट शेयर की जो मोनू और शुमैला के बीच हुई थी। फिर कुछ ही दिनों में कुछ और लड़कियों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया तो मेरा फेसबुक अकाउंट बंद करवा दिया गया। शुमैला वाहिद ने मेरे को दोबारा कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने फिर से बदतमीजी की बातें करी और उन्होंने बोला कि शादी के पहले भी और शादी के बाद भी मेरा और मोनू का अफेयर चल रहा है, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई। जो कॉन्वर्सेशन मेरे और मोनू के बीच थी वो शुमैला को पता थी। ये जानने के बाद मोनू ने मेरे से बहुत ज़्यादा मारपीट करी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरे को 5 घंटे लगातार मारा, इतना मारपीट करी कि मेरी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा इंजरीज आ चुकी थी, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और उसी मारपीट करते साथ उन्होंने फायरिंग भी करी। इतना ज़्यादा मेरे को मार चुके थे, मुझे लग रहा था मैं मर ही जाऊँ। मदर इन लॉ ने भी तब सब कुछ देखा, उन्होंने भी बस बात दबाने के लिए कहा। कुछ महीने बाद फिर किसी का कुछ पता चलता, फिर मारपीट करते, हर एक छोटी छोटी बात पे, हर बात पे बस हाथ उठता। दिन रात बस वही बस लगता था कि मैं ये सब क्यों सफ़र कर रही हूँ। 1 महीने बाद ही मैं घर पर आई अपने मायके, तब अमृत दुबे ने मुझे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने बताया कि मेरा मोनू के साथ अफेयर चल रहा है। हमने मोनू को कॉन्फ्रेंस में लेके सारे पूछा तो उन्होंने भी सारा कन्फेस किया, लेकिन मोनू को नहीं पता था कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। ऐसे करके मेरे सामने सारी बातें आईं तो मोनू में से मैंने तब भी बोला था कि आप अभी मेरे से डाइवोर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, मेरे को बस डाइवोर्स दे दीजिए। तब भी वो नहीं माने। कुछ टाइम के बाद मुझे बेबी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया और बहुत ज़बरदस्ती भी गई मेरे साथ, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ दबाव किया गया। इन सब से होने के बाद मैंने एक दिन फादर इन लॉ को सब कुछ हिम्मत करके मैंने सारा सब कुछ बता दिया तो उन्होंने यही बोला कि ये सब कुछ ना पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। ये शुरुआती में सिर्फ 1 साल अपने ससुराल में थी, 1.5 साल फिर उसके बाद मैं अपने मायके में थी, और इस बीच में मेरी मोनू से कोई बातचीत नहीं होती थी। वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, लिविंग में भी रह रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। और भी पता चला कि वही अमृत दुबे से दोबारा पॉलिसी के पेपर बनवाए हैं, उसमें मैरिटल स्टेटस सिंगल लिखा है। पूरे परिवार ने मेरे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, धमकियाँ देना शुरू कर दिया, मेरे को अपने मायके जाना बंद कर दिया। मैंने पूरी तरीके से अपने लॉस का घर छोड़ दिया, मैं अपने मायके आई, मैंने अपनी जॉब की तैयारी करी। 3 साल के बाद जब मैं सब छोड़ के गुड़गांव चली गई, बाद ही जब पहली दिवाली पड़ी तब मैंने अपने इन लॉस को बुलाया था घर पे, वहाँ से कोई नहीं आया, सिर्फ फादर इन लॉ आए थे हुए थे। मैंने बोला कि आप मुझे बस डाइवोर्स दे दीजिए, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। उन्होंने यही बोला, इस बार तो तुम्हारी जुबान पे ये तलाक का शब्द आ चुका है, अगली बार से आया तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। 1.25 साल हो चुका है मेरे केस अप्लाई हुए, लेकिन वो कभी उन लोगों ने कोई इनिशिएट नहीं लिया। मेरी होप पूरी तरीके से टूट चुकी है।